हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। होप यू आर डूइंग गुड गाइस। सो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आपकी फेवरेट मिंत्रा हॉल, और इस बारी दुर्गा पूजा में मेरे साथ शेयर कीजिए कुछ डिफरेंट, कुछ यूनिक, कुछ सबसे अलग, लाइक कुर्ती सलवार सूट बहुत ज़्यादा मैंने आपको दिखाई है, शरारा सेट्स एंड दुपट्टा सेट बहुत दिखाई है। तो इस बार मैं इस फेस्टिव वेयर कुछ डिफरेंट आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आज का हॉल बहुत ही डिफरेंट रहेगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करना, और कमेंट में बताना कि कैसी लगी। ऐसे हॉल्स आप और भी देखना चाहते हो तो वो भी कमेंट में करो बताओ। एंड नाउ विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लिंक्स सो फर्स्ट मैंने पिक करा है ये थ्री पीस क्लोथिंग सेट, एंड इसका प्राइस है 2400 रुपीज़ में मुझे मिली है गाइस। मेरा साइज पे मीडियम है। इस पर आपको बेल्ट मिल रही है, क्रॉप टॉप, श्रग और ये प्लाजो मिल रही है। सो कुछ इस तरीके से इसकी ब्लाउज है, स्लीवलेस ब्लाउज है, नेकलाइन राउंड है, उस पर मिरर वर्क करा हुआ है, और ये पैडेड ब्लाउज है। इस पर आपको अंदर यू नो ब्रा अगर आप नहीं भी वेयर करोगे तो चलेगा, क्योंकि इसकी बैक इतनी ज़्यादा सेक्सी है कि इस पर ब्रा की नीड नहीं है। सो बैक इसकी कुछ इस तरीके से, और मैं कपड़े के ऊपर से दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे कंफर्टेबल नहीं होता है स्लीवलेस है इस तरीके से। सो इसलिए मैं आपको आइडिया मिल जाए तो इस तरीके से मैं आपको शो कर रही हूँ। सो ये प्लाजो की इलास्टिक है, फ्रंट और बैक पे दोनों पे आप ये मिल रही है। सैटन काइंड ऑफ मटेरियल है गाइस इसका, एंड इसके फ्लेयर आप देख सकते हो कि फ्लेयर जो प्लाजो की है ना बहुत ज़्यादा है, ऐसा लगेगा आपने स्कर्ट पहना हुआ है। टॉप फैब्रिक पॉली जॉर्जेट है, बॉटम फैब्रिक पॉलिस्टर है, दुपट्टा इसका पॉलिस्टर, मतलब दुपट्टा श्रग इसका पॉलिस्टर है। सो इस पर आपको पर्पल ब्लू का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, कुछ इस तरीके से इसकी स्लीवलेस लुक आएगी, लगेगा आपने लहंगा पहना। आप चाहो अगर आप कंफर्टेबल हो इसके बैक के साथ तो आप कुछ इस तरीके से स्टाइल कर सकते हो क्रॉप टॉप एंड प्लाजो। सो यहाँ पे मैंने ऐसा लुक क्रिएट किया है, लाइक अभी इन दिनों रेड रोज यू नो हेयर पिन बहुत ट्रेंड में है, तो ये मैंने उसके साथ स्टाइल करा है। और रेड इयररिंग्स जो भी है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो बेल्ट में मिरर वर्क आ रहा है जो आपको नेकलाइन पे मिल रही है। सो बहुत कंफर्टेबल है गाइस, आप चाहो तो विथ श्रग विदाउट श्रग भी वेयर कर सकते हो। 200% रेकमेंड करूँगी इस ड्रेस की, मैं फ़ैन हो गई। लाइक मैंने फर्स्ट में रखा, ये इतना प्यारा, इतना सेक्सी, इतना ब्यूटीफुल ड्रेस है ना कि इस दुर्गा पूजा या फिर दिवाली में पहनोगे तो बहुत गॉर्जियस लगोगे गाइस, ट्रस्ट मी। इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, टॉप का, बॉटम का, एंड श्रग का डिज़ाइन आपको दिख रहा है। फ्रंट से शॉर्ट है, बैक से लॉन्ग है, तो ये भी थोड़ा यूनिक लग रहा है। श्रग का जो मटेरियल है वो थोड़ा जॉर्जेट काइंड ऑफ पॉलिस्टर है, और टॉप और ये प्लाजो पूरा एकदम सैटिन काइंड ऑफ है, तो मटेरियल बहुत अच्छा है। रेड हील्स मैंने डाली है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड जो प्लाजो की जो कट है ना, अगर आप गौर से देखोगे तो अंदर को थोड़ी लॉन्ग आ रही है एंड बाहर को थोड़ी सी ऊपर को जा रही है। सो ये बहुत अच्छी शेप दे रही है। लाइक मैंने ये पहनकर इतना ज़्यादा इंजॉय करा है कि लाइक अब मुझे लग रहा है जल्दी से किसी की ना वेडिंग पार्टी हो या कोई फेस्टिवल तो मैं इसे वेयर कर सकूँ। बहुत प्यारा ड्रेस है गाइज। एंड आप चाहो तो इस पर कोई भी दूसरा जूड़ा कर सकते हो, या फिर ओपन हेयर रख सकते हो, इयररिंग्स चेंज कर सकते हो। वैसे इस पर पिंक है, पर्पल टिंट है, बट मैंने इस पर रेड डाला क्योंकि मुझे रेड का कॉम्बिनेशन करना था ये हेयर क्लिप के वजह से। और ये बैक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो कैसी लगी ये ड्रेस आप मुझे कमेंट पे जरूर जरूर से बताएं, मुझे बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट मैंने अगेन थ्री पीस सेट बाय करा है, इस पर आपको स्कर्ट मिल रही है, ऊपर से ये जैकेट मिल रही है, लाइक ये दुपट्टा काइंड ऑफ आप श्रग कप्तान जैकेट बोल सकते हो, एंड ये क्रॉप टॉप मिल रहा है। सो इसका प्राइस मुझे ऑफर के बाद मिली है 2900 रुपीज़ की, और इसकी प्राइस कम ज़्यादा होते रहती है गाइस। सो इंडस ब्रांड की, एंड यू नो कि इंडस ब्रांड की थोड़ी एक्सपेंसिव आती है, बट इसका जॉर्जेट मटेरियल है, मटेरियल बहुत कंफर्टेबल है। श्रग की इनर लाइनिंग भी आप देख सकते हो, लहंगे में इनर लाइनिंग मिल रही है, और श्रग के नीचे टैशल मिल रही है फ्रंट पे भी और बैक पे भी। बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर प्रिंट पिंक कलर का करा हुआ है। ये मैं आपको श्रग दिखा रही हूँ लाइक जो जैकेट है, कि आपको आइडिया मिल जाए कि किस तरीके से इसका जैकेट है। कोई श्रग काइंड ऑफ नहीं है इस पर, कोई स्लीव्स नहीं है, ऊपर से बस आपको ये जैकेट मिल रहा है जॉर्जेट मटेरियल में। मटेरियल बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है एंड बहुत यूनिक लगा मुझे, बहुत स्टाइलिश लगा। सो मैं अगर आप अफोर्ड कर सकते हो ना तो मैं 200% यू नो रिकमेंड करूंगी, इतना प्यारा है। सो कुछ इस तरीके से उसकी पहना जाता है, कुछ इस तरीके से उसकी लुक आती है, जो पर्सनली मैंने बहुत 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 इंजॉय करा है, क्योंकि मैं इसे दूसरे कुर्ती पे भी डाल सकती हूँ। सो ये इसकी ब्लाउज है और ये बैकलेस ब्लाउज है गाइस। सो ये ब्लैक कलर की सैटिन की मटेरियल है, सिंगल स्ट्रैप आ रही है, एंड बैक में आप देखोगे तो 1 2 3 ये 3 डोरी है बस बैक में। सो इसलिए मैं ये टॉप के ऊपर से दिखा रही हूँ, क्योंकि और क्योंकि मैं सेल्फ शूट कर रही हूँ, कोई है नहीं, तो ये मैंने टाई नहीं करा है, लूज़ थोड़ा बंधा हुआ है, तो आप सोच इमेजिन कर सकते हो कि जब टाइट ये टाई हो
होगा तो कितना सेक्सी लगेगा। सो अगर आप कंफर्टेबल हो तो यू नो ऐसे भी पहन सकते हो, बट इसके ऊपर से ऑलरेडी ये दुपट्टा काइंड ऑफ श्रग मिल ही रही है तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जा रहा है। सो स्कर्ट कुछ इस तरीके से, इसमें भी पिंक कलर का फ्लावर प्रिंट है एंड इसकी जो वेस्ट है थोड़ी सी ये शेप में है, वो बहुत प्यारी लग रही है, कट वाली शेप में है, आई डोंट नो इसे कौन सी शेप बोलते हैं। सो साइड पे जिप भी मिल रही है, मेरा साइज़ मीडियम है, नीचे आपको रफल्स मिल रहे हैं स्कर्ट पे, सो ये भी मैं 200% रिकमेंड करूँगी, बहुत प्यारा सेट है, फ्लेयर भी बहुत अच्छी है और पहनावा भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। सेम रेड हील्स मैंने डाले, मैंने पिंक क्योंकि जो पिंक है ना उस पर थोड़ा थोड़ा रेड टिंट है तो रेड फुटवेयर बहुत अच्छे से जा रहा है। आप चाहो तो ब्लैक या पिंक भी डाल सकते हो, वो भी उतना ही प्यारा लगेगा। एंड इसको बहुत ही सिंपल रखा है मैंने, सिर्फ एक नेक पीस डाली है जो मिंत्रा से ही है, और आप चाहो तो इस पर भी जुड़ा कर सकते हो और रेड रोज लगा सकते हो, पिंक रोज लगा सकते हो, चोकर डाल सकते हो, तो थोड़ा अपना टचअप भी दे सकते हो जैसा आपका पर्सनल स्टाइल है। मुझे ऐसा बहुत कंफर्टेबल लगा एंड इन फ्यूचर शायद मैं बेल्ट लगा के भी वेयर करूं, बट अभी मैं इसको ना जिस तरीके से ये श्रग है लाइक दुपट्टा काइंड ऑफ श्रग ऐसे ही फ्लॉन्ट करना चाहती थी, इसलिए मैंने अभी इसे बेल्ट नहीं लगाया है। और जो ब्लाउज का मटेरियल है वो सैटन है, जॉर्जेट में आपको श्रग और स्कर्ट मिल रही है। सो कैसी लगी ये वाली भी कमेंट पे ज़रूर से बताएं। इस बारी हॉल में मैं आपको बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट पीसेस दिखा रही हूँ, सो कमेंट ज़रूर से करना गाइस, अगर अच्छी लगे पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट मैंने पिक करा है ये बीच क्रॉप टॉप, जो रैप क्रॉप टॉप है गाइस, एंड इस पे ऑरेंज स्कर्ट आ रही है। सो सिल्क ब्लेंड स्कर्ट का मटेरियल है एंड क्रॉप टॉप ऑर्गेन्जा मटेरियल में है, मिंत्रा पे लिखा हुआ है कि पॉलिस्टर, बट ये पॉलिस्टर मटेरियल नहीं है, इनर लाइनिंग के साथ है। नीचे को ये छोटे छोटे से यू नो शेल बने हुए हैं जो बहुत ही ब्यूटीफुल है, ये चुभती बिल्कुल भी नहीं है, इसकी लुक बैक की बहुत अच्छी आ रही है। रैप क्रॉप टॉप है ये, बहुत प्यारा फ्रंट आप देखोगे ओपन होता है, तो कुछ इस तरीके से इसकी पफी स्लीव्स है जो बहुत प्यारी है, मैं इनर लाइनिंग यहाँ पे दिखा रही हूँ। और इस पे जो वर्क करा हुआ है वो डार्क ऑरेंज एंड बीच का कॉम्बिनेशन, स्कर्ट पे साइड जिप आ रही है, कोई भी इलास्टिक नहीं मिलेगी आपको स्कर्ट पे, फ्रंट पर बैक पे इस तरीके से पट्टी लगी हुई है। फ्लेयर बहुत ज़्यादा स्कर्ट की मैं नहीं कहूँगी, नॉर्मल स्टैंडर्ड फ्लेयर है और इनर लाइनिंग के साथ ही आती है। सो इसका प्राइस है 2500 रुपीज़, इसका प्राइस अप एंड डाउन होते रहता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान दें जब ऑफर में तब लो। स्लीव्स कुछ इस तरीके से है, पफी स्लीव्स है एंड रैप करके टॉप कुछ ऐसी लगती है, तो बहुत कंफर्टेबल है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो एक पिन लगा सकते हो। एंड इसकी जो स्लीव्स है ना वो थोड़ी सी लूज है, मैंने यहाँ पे जो बॉटम है ना स्लीव्स की जो पट्टी बनी हुई है उसको थोड़ा सिफ्टी पिन से टाइट करा है, वो थोड़ी लूज है। सो ग्रीन आपको इस पे टच मिल रहा है, ऑरेंज मिल रहा है और देखने पे बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। ये इयररिंग्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा गाइज, एंड इस पे मेरा साइज मीडियम है, बहुत कंफर्टेबल है और बैक भी बहुत कंफर्टेबल है, लाइक बहुत सेक्सी है। आप चाहो तो बैक पे जो पट्टी है मैंने बहुत ही पतली करके बांधी है, अगर आप मिंत्रा के पेज पे अच्छे से देखोगे लास्ट में तो मोटी पट्टी बांधोगे तो बिल्कुल भी पीछे से कुछ भी नजर नहीं आएगा, तो बहुत कंफर्टेबल भी लगेगा। तो 200% रेकमेंड करूंगी इस, दुर्गा पूजा पहनिए, दिवाली पहनिए, बहुत स्मार्ट लगोगे। सो कैसी लगी कमेंट में बताओ। थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट पिक कर रही हूँ इसलिए मैंने कुछ इस तरीके से रैप क्रॉप टॉप पिक करा है ऑरेंज कॉम्बिनेशन में, जो बहुत ही ज़्यादा यू नो पार्टी वेयर फेस्टिव वेयर ड्रेस है एंड मुझे पसंद। जैसे मैंने कहा है कि इस हॉल में मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट ड्रेसेस दिखाऊंगी। सो ये मेरा है कफ्तान ड्रेस जिसमें आपको क्रॉप टॉप पैंट और कफ्तान मिल रही है, मुझे 1800 रुपीज़ की मिली है गाइस। साइज़ मेरा इस पर लार्ज है, मीडियम अवेलेबल नहीं थी मैंने लार्ज ले लिया और लार्ज मुझे लूज़ हो रहा है तो मैं सजेस्ट करूँगी जो साइज़ आप पहन तो वही लो। सो इसकी नेकलाइन क्रॉप टॉप बहुत ब्यूटीफुल कलर की है, पाउडर ब्लू कलर है एंड नेकलाइन बहुत प्यारा है क्रॉप टॉप की। साइड में आपको जिप मिल रही है, स्ट्रैप के साथ है ये, और इसकी जो मटेरियल है वो कॉटन ब्लेंड है, थोड़ा शाइनी काइंड ऑफ कॉटन ब्लेंड है। इसकी पैंट में बैक पे आ रही है, फ्रंट पे नहीं आ रही है, कोई भी पॉकेट इस पे नहीं है। और इसकी जो लेंथ है नीचे को वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, लाइक प्लाजो काइंड ऑफ नहीं है, बिल्कुल पैंट वाली सॉरी थाई में आपको लूज काइंड ऑफ हो रही है, नीचे को टाइट हो रही है, तो बहुत अच्छी फिटिंग है। सो कफ्तान में अगर आप देखोगे तो सिर्फ यहाँ वेस्ट पे आपको इलास्टिक मिल रही है, एक डोरी मिल रही है बांधने के लिए, और पूरी लाइन जो फ्रंट पे वो सिल्वर बना हुआ है ना लेस, तो वो स्लीव्स पे लगी हुई नीचे तक पूरी कफ्तान में लगी हुई है, ऑल ओवर जितनी भी एंडिंग है सब पे ये सिल्वर लेस लगी हुई है। एंड कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो, डार्क ब्लू में स्काई ब्लू का कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लग रहा है, और कॉटन ब्लेंड सिर्फ क्रॉप टॉप पैंट का मटेरियल है, श्रग का मटेरियल कफ्तान का मटेरियल आपको सिल्क काइंड ऑफ मिल रहा है, मतलब जॉर्जेट फ्लोई, बहुत ही फ्लोई काइंड ऑफ मटेरियल मिल रहा है। सो मटेरियल बहुत प्यारा है गाइस, बहुत कंफर्टेबल है, बहुत पसंद आई मुझे। और इस पे मैंने सिल्वर ज्वेलरीज डाले, लाइक इयरिंग्स डाले हैं, नेक पीस डाले हैं, बैंगल्स डाले हैं, रिंग्स डाले हैं, क्योंकि मैं फेस्टिवल हॉल बना रही हूँ। अगर मैं नॉर्मल हॉल बनाती तो इतना आप लाइक अगर आप नॉर्मल डेज पे पहनना चाहते हो तो इतना आप ज्वेलरी को स्किप कर दो, ये फेस्टिवल है इसलिए मैंने इस पे ये ज्वेलरीज इतने सारे डाले। आई नो बहुत लोगों को
ये पसंद नहीं आता, इन कहते हैं कि ज्वेलरी आप बहुत पहनते हो तो थोड़ा ये कम कर दो। तो गाइज़ ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, आप चाहो तो कुछ ज्वेलरी कम करके भी पहन सकते हो। और फेस्टिव में इतनी ज्वेलरी नहीं पहने तो फिर मज़ा नहीं आता, मुझे तो पर्सनली नहीं आता। सो मैं इसे हाईली रिकमेंड करूँगी, पर्सनली मुझे बहुत पसंद आई। और अब ये लेस देख सकते हो सिल्वर का ना, शाइनिंग वाला है, बहुत ब्यूटीफुल है। सो मैं इसे भी हाईली रिकमेंड करूँगी, मुझे बहुत पसंद है। और जितनी भी ज्वेलरीज मैंने पहने हैं यहाँ पे और या फिर इस हॉल में, सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो कैसी लगी आप मुझे कमेंट पे जरूर से बताएं। नेक्स्ट मैंने पिक करा है गाइस ये क्रॉप टॉप, जो मुझे मिली है 750 रुपीस में। 100% पॉलिएस्टर मटेरियल है, वोवन रेगुलर टॉप, हैज अ राउंड नेक, की होल नेक डिटेलिंग बैक में है एंड शॉर्ट स्लीव्स के साथ है। बैक पे आपको जो ये गोल्डन वर्क मिल रहा है, ये फुल थ्रेड वर्क आपको मिल रहा है और साइड पे जिप है इस तरीके की। ये ग्रीन कुर्ती मैंने इंडिया ब्रांड से आपको दिखाई, अगर आपने नहीं देखा है तो वो देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कितना ब्यूटीफुल स्टफ है इसका। पूरा थ्रेड वर्क करा हुआ है, इसमें कोई भी फॉइल प्रिंट नहीं है ग्रीन वाले पैटर्न में। और उसके साथ मैंने पेयर करा है ये प्लाजो, जिसपे ऑल ओवर फॉइल प्रिंट करी हुई है, ये जो गोल्डन आपको दिख रहा है। एंड इसका प्राइस है 1700 रुपीज। दोनों का सेम कॉम्बिनेशन है ग्रीन एंड ब्लू का, इस पर भी साइड जिप आ रही है। साइज मेरा इस पर मीडियम है। सो गाइज मीडियम थोड़ी सी फिट मुझे हो रही है क्योंकि मैं लोअर एल पहनती हूँ, क्योंकि मेरी पेयर शेप बॉडी है। आप अगर मीडियम पहनते हो तो मीडियम पे जाओ। इनर लाइनिंग के साथ है, बहुत प्यारी है। एंड बेस्ट थिंग लगी ना मुझे उसका ब्लाउज़, मतलब आप अगर मिंत्रा के पेज पे देखोगे इंडिया के पेज पे तो आपको क्रॉप टॉप के साथ यही प्लाजो नज़र आएगी, इसलिए मैंने दोनों को साथ में बाय कर लिया। दोनों अवेलेबल भी थी। सो फ्रंट पे ना ये होल है ब्लाउज़ पे, जिस पे अंदर को आप ऐसे पल्लू लेके डाल सकते हो, और चाहो तो पल्ला आप लंबा करो, छोटा करो, अपने अकॉर्डिंग करो जैसे आप करना चाहते हो। तो दोनों का कॉम्बिनेशन मैचिंग आप देख सकते हो, बिल्कुल सेम है। पॉलिएस्टर प्लाजो का भी मटेरियल है, जॉर्जेट काइंड ऑफ, जैसे इंडिया ब्रांड का जो मटेरियल होता है ना, सेम मटेरियल आपको रिसीव होगा। सो बहुत बहुत प्यारा सेट है गाइज, मैं हाईली रिकमेंड करूँगी। ब्लाउज पे मीडियम साइज़ है, प्लाजो पे मीडियम साइज़ है, एंड ग्रीन वाले पे पूरा धागे का वर्क करा हुआ है, ब्लू पैटर्न में पूरा फॉइल प्रिंट करा हुआ है। बट इंडिया ब्रांड की फॉइल प्रिंट भी बहुत अच्छी होती है। सो कैसी लगी ये हॉल कमेंट पे ज़रूर से बताएं। मैं तो 200% रिकमेंड करूँगी, और पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना गाइज, सपोर्ट करो सब्सक्राइब करके। और बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय गाइज़।